नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आई नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। कोरोना संकट के बीच सुपर साइक्लोन अम्फान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई है। हालांकि मौसम विभाग और एनडीआरएफ की सतर्कता से नुकसान में काफी कमी लाई जा सकी, फिर भी पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में सड़कों, पेड़ों, फसलों और कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है। इस प्राकृतिक आपदा में कुछ लोगों की मौत हुई है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए तूफान पीड़ित इलाकों में ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। राहत और बचाव कर्मी सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने में जुटे हैं ताकि जरूरी सामानों की आपूर्ति, वाहनों और आपातकालीन सेवा कर्मियों की आवाजाही में दिक्कत न हो। आपदा से निपटने के लिए दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 40 से ज्यादा टीमें तैनात हैं। सेना, नौसेना, वायुसेना और कोस्ट गार्ड भी अलर्ट पर है। चक्रवाती तूफान अम्फान से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पैदा हुई हालात पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चिंता जताई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के अलावा राज्यसभा सांसद मानस रंजन भुनिया और सुखेंद्र शेखर राय से तूफान के लैंडफॉल के बाद इसके असर को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज से लेकर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नई योजना शुरू किया जाना तक शामिल है। प्रधानमंत्री ने बीते दिनों आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। कैबिनेट ने इस पैकेज से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। प्रवासी मजदूरों और लॉकडाउन की वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को खाद्यान्न आवंटन के लिए पैकेज को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को 3 साल बढ़ाकर मार्च 2023 तक करने को मंजूरी दी गई। ये योजना इस साल 31 मार्च को खत्म हो गई थी। बैठक में MSME के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा कोल्ड इग्नाइट खदानों की नीलामी के नए नियम और नए ब्लॉक्स की मंजूरी दी गई। वहीं मंत्रिमंडल ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए NBFC HFC की नकदी की स्थिति यानी कि लिक्विडिटी पोजिशन में सुधार के लिए एक नई विशेष तरलता योजना शुरू करने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा कई नई केंद्र प्रायोजित योजनाओं को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक क्षेत्र में लाने और उनके विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकट की इस घड़ी में उद्योग जगत पर भरोसा जताया है। CII के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वित्त मंत्री ने औद्योगिक संस्थानों से अधिक पेशेवर तरीके से श्रम शक्ति का उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को इस वक्त लोगों को रोजगार मुहैया कराकर एक उदाहरण पेश करना चाहिए। अकुशल श्रमिकों को काम देने के लिए एक पेशेवर तरीके पर विचार करना चाहिए, साथ ही सभी स्तरों पर कर्मचारियों की कौशल की दिशा में काम करना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि CII ने देश के निर्माण में मजबूत भूमिका निभाई है और एक बार फिर उन्हें सशक्त होकर काम करना चाहिए। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि व्यवसायों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहन देना महत्वपूर्ण था। लॉकडाउन शुरू होने के बाद सरकार ने लोगों तक नकद धन ट्रांसफर करवाया था। इस पैसे का ट्रांसफर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किया गया था। हालांकि उसके बाद भी सरकार ने अपने विकल्प बंद नहीं किए। उन्होंने कहा कि गरीब तक पैसा पहुंचाने के लिए जो तरीका सोचा गया वो कहीं अधिक प्रभावित है। इस वजह से सरकार ने बैंकों, बिजनेस और वर्किंग कैपिटल के जरिए लोगों तक सहायता पहुंचाने का फैसला किया। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,124 और मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही देश में अब तक 42,298 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 39.62% हो गया है। जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से अब तक सबसे ज़्यादा 5,611 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,06,750 हो गई। इनमें 61,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना से 140 और लोगों की मौत के साथ ही इस बीमारी से अब तक 3,303 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की जांच में भी तेजी आई है। 24 घंटों के दौरान 1,07,609 नमूनों की जांच की गई और अब तक 25 लाख
36,156 नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना को लेकर बेहतर निगरानी की जा रही है और भारत अपने प्रयासों से कोरोना की रफ्तार रोकने में सफल रहा है। देश में करीब 40% कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इनमें लॉकडाउन और टेस्टिंग का अहम रोल रहा है। पहले लॉकडाउन के दौरान रिकवरी रेट 7.1% थी, जो अब बढ़कर 39.62% हो गई है। देश में प्रति लाख आबादी पर अब तक कोरोना के सिर्फ 7.9 लोग ही संक्रमित हुए, जबकि दुनिया भर में इतनी ही आबादी पर औसतन 62 लोग संक्रमित हुए। भारत में 1,00,000 की आबादी में कोविड-19 के कारण मृत्यु का जो आंकड़ा है वो मात्र 0.2 है, जबकि इसका विश्व औसत 4.2 है। कोरोना से सबसे ज़्यादा पीड़ित 15 देशों में से भारत के मुकाबले 83% ज़्यादा मौतें हो रही हैं। गरीब मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल और स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद अब रेलवे देश भर में मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलाने की तैयारी में है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारतीय रेल 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार हर रोज 200 नॉन एसी ट्रेन चलाएगा, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग जल्द ही शुरू होगी। वहीं रेलवे ने 20 मई सुबह 10 बजे तक 1,773 ट्रेनों के जरिए 23.5 लाख से ज्यादा लोगों को उनके गृह राज्यों तक पहुँचाया है। केंद्र सरकार ने रेलवे के बाद अब घरेलू विमान सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि 25 मई से चरणबद्ध तरीके से घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। उन्होंने इसके लिए सभी हवाई अड्डों और विमान सेवा प्रदाता कंपनियों को तैयार रहने के लिए कहा है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यात्रियों के लिए मंत्रालय की तरफ से स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए जा रहे हैं। नागर विमानन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही यात्रियों को घरेलू उड़ान सेवाओं में सफर करने की मंजूरी मिलेगी। स्वस्थ भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाली आयुष्मान भारत योजना ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। 2 साल से भी कम समय में आयुष्मान भारत ने 1 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की कामयाबी पर डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ केयर स्टाफ की तारीफ की और लाभार्थियों और उनके परिवार को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इन्हीं के प्रयासों ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम बना दिया है। साथ ही इस पहल ने कई भारतीय, खासकर गरीबों और वंचितों का विश्वास जीता है। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत की 1 करोड़वीं लाभार्थी मेघालय की पूजा थापा से टेलीफोन पर बात की। 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। भारत ने नेपाल सरकार की ओर से जारी उस नक्शे को खारिज कर दिया है, जिसमें भारतीय क्षेत्र लिम्पिया, थुरा, लिपुलेक और काला पानी को नेपाल में दर्शाया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि ये एक तरफा कृत्य ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित नहीं है और कूटनीतिक संवाद के माध्यम से सीमा मुद्दों का हल करने के लिए द्विपक्षीय समझ के विपरीत है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दावों के ऐसे कृत्रिम विस्तार को भारत स्वीकार नहीं करता। उन्होंने नेपाल सरकार के इस तरह के दावे से परहेज करने और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की अपील की। अनुराग श्रीवास्तव ने उम्मीद जताई है कि नेपाली नेतृत्व बकाया सीमा मुद्दों का हल निकालने के लिए सकारात्मक माहौल बनाएगा। तो ये थी अब तक की तमाम अपडेट्स। आप रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।